हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे द नाइट मैनेजर 2 के बारे में। वेब सीरीज कैसी है कैसी नहीं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, द नाइट मैनेजर सीजन 1 में आपने देखा टोटल 5 एपिसोड, अब इसका सीजन 2 में आया है टोटल 3 एपिसोड, मतलब सीजन 2 में इसका एपिसोड 3 आया है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स 300 के बारे में, वो कैसा था कैसा नहीं। जहाँ से कहानी खत्म हुई थी, कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। बॉस के घर में घुस के मतलब वहाँ का सीईओ बन गया है, अब वहाँ का पूरा अंडर वो कैप्चर करेगा अपने अंडर में। तो फ्रेंड्स, जो मूवी का लोकेशन है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मूवी कहाँ शूट हुई है आपको मतलब लोकेशन देख के ही मजा आ जाएगा, अच्छा लोकेशन है फ्रेंड्स। इस मूवी में फ्रेंड्स सभी ने अपना काम बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एक्टिंग को किया है। सभी ने काम अपना काम बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक तरीके से किया अपने काम को। एक्टिंग सभी का जोरदार, काम सभी का मस्त। जो इसका BGM है फ्रेंड्स, इसका BGM भी पावरफुल है। जो इसका BGM और साउंड, पावरफुल साउंड BGM है फ्रेंड्स, आपको मज़ा आ जाएगा देखने में मूवी। तो फ्रेंड्स, आदित्य जी को आप जानते हैं कि उनका एक्शन में रोल कभी था ही नहीं। मतलब आस्की 2 देख लीजिए, आस्की 1 देख लीजिए, मतलब उनका साइड में रोल था और थोड़ा सस्पेंस में रोल था और थोड़ा इस टाइप से रोल था। आदित्य जी का जो एक्शन में रोल है वो हमारे सामने मतलब यूनिक तरीके से आएगा, क्योंकि उनका किरदार एक्शन में हमें पहली बार दिखेगा। मूवी को शूट करने का तरीका, लिखने का तरीका और एक्टिंग का तरीका, मतलब सभी आपको बहुत ही शानदार टाइप से लगेगा। मतलब आप मूवी में बोर नहीं होगे, 3 एपिसोड कम निकल जाएगा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बट ये है फ्रेंड्स, मूवी थोड़ा स्लो चलती है, कहीं कहीं मूवी स्लो चलती है, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि मूवी स्लो चल रही है। ऐसा लगेगा फ्रेंड्स कि मूवी बहुत धीरे चल रही है, मतलब कुछ कुछ सीन ऐसा लगेगा आपको कि मूवी यहाँ बहुत स्लो चल रही है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप थोड़ा सब्र करिए, मूवी बहुत ही यूनिक और बहुत ही लाजवाब तरीके से आपके सामने पेश हो रही है। मतलब सभी ने अपना काम को जो किया है, सभी ने काम करने का जो तरीका है फ्रेंड्स, इसमें सभी का एक्टिंग देख के मज़ा आ गया। सभी ने काम फ्रेंड्स अपने बहुत ईमानदारी तरीके से निभाया, मतलब एक्टिंग है लाजवाब। और फ्रेंड्स, अनिल कपूर जी का हमें विलन के रूप में देखना ये भी पहली बार है, मतलब उनको विलन के रूप में देखना मतलब पहली ही बार है फ्रेंड्स, क्योंकि उनका विलन का रोल हमारे सामने कभी आया ही नहीं। द नाइट मैनेजर 2 में अनिल कपूर जी विलन का रोल निभा रहे हैं, तो क्या कैसा उनका रोल देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अनिल कपूर जी का जो एक्टिंग है शानदार, यूनिक, ऐसा लगे आपको हकीकत चल रहा। एक्टिंग करने का तरीका है जो शानदार है, उनका जो रोल है, जो करने का बात करने का तरीका है, जो मतलब ये वो करने का रियल लगेगा। मूवी आपके मन में छाप छोड़ के जाएगी फ्रेंड्स, आप थोड़ा बारीकी से आप मूवी को देखने लगोगे। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मूवी बहुत ही शानदार है, अच्छी है। अनिल कपूर जी का काम, आदित्य जी का काम और सभी साइड कैरेक्टर काम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यूनिक तरीके से एपिसोड हमारे सामने को रखा गया। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, हमें द नाइट मैनेजर 2 देखना चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सीजन 2 देख सकते हैं, आपको बिल्कुल मजा आएगा, आप कहीं भी बोर नहीं होगे, 3 एपिसोड कम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। बस थोड़ा लाइन कहीं स्लो है, बाकी सब मस्त है फ्रेंड्स, बाकी सब मस्त है, यूनिक तरीके से पिक्चर को रखा गया हमारे सामने। बात करते हैं फ्रेंड्स स्टार का, तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेगा 5 में से 3.5 स्टार। तब तक फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।